तो रिलेटिव वेलोसिटी में सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है ओवरटेकिंग प्रॉब्लम, जिसमें यह बताया जाता है अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड एट 9 मीटर पर सेकेंड। एक चोर भाग रहा है 9 मीटर पर सेकेंड के साथ। मैंने वो उसकी डायग्राम बना लिया। वी ऑफ थीफ गिवन है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन में ये गिवन है अ पुलिसमैन चेजेस हिम ऑन अ मोटरसाइकिल एट 10 मीटर पर सेकेंड। तो पुलिस की स्पीड क्या है? वीपी 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, वीपी 10 है, वीटी 9 है। इनके बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना है? 100 मीटर है। 100 मीटर है, ध्यान आगे प्लीज। तो इनके बीच में डिस्टेंस 100 मीटर है। क्या निकालना है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ पुलिसमैन टू कैच द थीफ। तो कितना समय लगेगा क्या करने में, ये पुलिस वाला इस थीफ को कितने समय में क्रॉस करेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम हमने की हुई है मोशन में, जब एक ट्रेन साइक्लिस्ट को ओवरटेक करती थी, ओवरटेकिंग प्रॉब्लम है। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताओ कि पुलिस वाले की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है? 10 है, और थीफ की वेलोसिटी क्या है? 9 है। तो अगर पुलिस ने इसको ओवरटेक करना है तो पुलिस वाला पहला काम क्या करेगा? पुलिस वाला पहला काम करेगा, थीफ को इमेजिन करेगा कि रेस्ट पे है। तो जब वो थीफ को इमेजिन करेगा कि रेस्ट पे है, तो पुलिस अपनी स्पीड क्या कहेगी लोगों को, कितनी है? 10 में से 9 गया 1 है। मैंने मार्क्स का एग्जांपल दिया ना, इसके नंबर 9 है, मेरे नंबर 10 हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरे नंबर 1 हैं, तो इसका इसकी नंबर तो 0 ही है। तो सेम काम हो रहा है। तो पुलिस ने इमेजिन करना है कि थीफ रेस्ट पे है, और वो करने के लिए पुलिस की स्पीड क्या कहेगी, कितनी है? 1। और कितने डिस्टेंस को कवर करना है? 100। तो बेसिकली मैंने लिया क्या, मैंने पुलिस की स्पीड निकाली विद रिस्पेक्ट टू थीफ। इसको क्या बोलते हैं? कैलकुलेटिंग रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी पुलिस की विद रिस्पेक्ट टू थीफ निकालने का तरीका क्या है? वेलोसिटी ऑफ पुलिस वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ वेक्टर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ये एग्जांपल है, हालांकि ये वेक्टर है, पर क्योंकि दो बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो इतना वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से हो जाएगा। अब दोनों को माइनस कर दें, 10 में से 9 माइनस करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ आ जाएगी 1। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ आएगी 1। इसका मतलब समझते हैं, एज्यूमिंग कि पुलिस ने अपनी स्पीड अगर 1 बताई तो थीफ इज लाइंग एट रेस्ट, इसका मतलब ये है। तो सोचो अगर थीफ रेस्ट पे है, पुलिस 1 की स्पीड के साथ आती है, और डिस्टेंस कितना कवर करती है? 100। तो समय क्या लेगी? डिस्टेंस को पुलिस अपनी स्पीड से डिवाइड करके आंसर 100 सेकंड में ओवरटेकिंग होगी। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आता होगा, जब हम मोशन चैप्टर करते थे और ओवरटेकिंग में मैंने आपको याद करवाया था कि दो वेलोसिटीज को माइनस कर दो, समझ में आ रहा है मैं उस टाइम क्यों नहीं बता पाया था, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स था बताना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्या इसमें रूल लगेगा? नेक्स्ट है, बस इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक बस है और बस 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे, ये बात समझ में आती है। अ स्कूटरिस्ट 80 मीटर बिहाइंड, एक स्कूटर वाला 80 मीटर बिहाइंड है और कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड है। विशेज, इसकी चाहत है कि मैं इस बस को क्या कर लूँ? ओवरटेक कर लूँ, ठीक, इन 100 सेकेंड, 100 सेकेंड के ऊपर मैं इसकी ओवरटेकिंग करूंगा। आपको होगी ओवरटेकिंग कैसे कर लेगा भाई, स्कूटर वाला तो 5 के साथ है, बस वाला 10 के साथ है, ओवरटेकिंग कैसे होगी? स्पीड बढ़ा के। तो स्कूटर वाला जब तक अपनी स्पीड नहीं बढ़ाएगा, ओवरटेकिंग नहीं होगी। तो यही बताना है, बताओ एक्सलरेशन कितनी रहे स्कूटर वाले की कि ओवरटेकिंग हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन है? कोई डाउट इसमें? ओवरटेकिंग की प्रॉब्लम में एक ही लॉजिक है, सामने वाली बॉडी जिसको ओवरटेक करना है उसको कहना है भाई तू 2 मिनट रेस्ट पे रुक जा। तो अगर स्कूटर वाला ये चाहता है कि बस रेस्ट पे हो जाए, तो अपनी वेलोसिटी में से बस की वेलोसिटी को क्या कर देगा? माइनस। इसे बोलते हैं टेकिंग रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, तो क्योंकि बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, स्कूटर वाला बस की वेलोसिटी में से जब माइनस करेगा वेलोसिटी, तो एज्यूमिंग ये बॉडी किस पे पड़ी हुई है? एट रेस्ट। तो लोगों को कहेगा कि मेरी स्पीड -5 है। -5 का मतलब क्या है? अगर ऐसे ही चलता रहा ना, ओवरटेकिंग तो बड़ी दूर की बात है, इनके बीच में उल्टा दूरी
पीछे होती जा रही है, यानी कि स्कूटर वाला बस अगर बस रेस्ट पे है तो लोगों को ये कह रहा है देख मेरा स्कूटर तो पीछे जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 5, क्योंकि गैप बढ़ता जा रहा है, गैप कम नहीं हो रहा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्या लॉजिक क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि अगर बस रेस्ट पे माननी है तो स्कूटर वाले की स्पीड क्या है, -5। अब स्कूटर वाले ने एक्सलरेशन, स्कूटर वाले को एक्सलरेट करना पड़ेगा, उसने बस को तो रेस्ट पे मान ही लिया, तो टोटल दूरी कितनी कवर करनी है उसने, 80। तो स्कूटर वाले को एक्सलरेट करना है तो स्कूटर के लिए लगा दो s = ut + ½ 80 square। तो स्कूटर ने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करनी है, 80। इनिशियल वेलोसिटी +5 नहीं -5 ही रहने दो, -5 इंटू टाइम 100 सेकेंड में करना है, ½ a × 100 का स्क्वायर एक्सलेशन आ जाएगी, 0.116 इज द आंसर। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि जब आपने सामने वाली बॉडी को रेस्ट पे ला दिया, अब ये क्वेश्चन 1D का चल पड़ा, बस एक ही बॉडी पे क्वेश्चन लगेगी, दूसरी पे लगेगी नहीं, बातें खत्म हो गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है, हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी, कोई डाउट इसमें? तो लॉजिक समझ में आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है यहां तक? सेम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन अ स्ट्रेट रोड साइक्लिस्ट आर मूविंग वन आफ्टर द अनदर, साइकिल वाले जा रहे हैं एक के पीछे एक, एट अ सेपरेशन ऑफ 30 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड पे साइकिल वाले जा रहे हैं, एक साइकिल वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, चेन बनी पड़ी है। तो हर साइकिल वाले के बीच में दूरी कितनी है, 30 मीटर है। अब वो कह रहा है इन द सेम डायरेक्शन बॉयज आर रनिंग एट अ सेपरेशन ऑफ 20 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इधर से साइकिल वाले जा रहे हैं, इधर से बॉयज जॉगिंग कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में एट अ स्पीड ऑफ कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन सेपरेशन बॉयज की 20 है। सामने से ओल्ड मैन आ रहा है वॉकिंग, वॉक करता हुआ, तो वॉक करता हुआ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, भाई वो देख रहा है कि हो क्या रहा है, इधर से साइकिल वाले क्रॉस कर रहे हैं, इधर से लड़के क्रॉस कर रहे हैं, और वो खुद पैदल ऑपोजिट आ रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बताओ उस बंदे की स्पीड क्या हो ओल्ड मैन की, ताकि साइकिल वाला, बॉय और ओल्ड मैन इकट्ठे तीनों एक दूसरे को क्रॉस करें, सब एक लाइन में हो जाएं। कभी तो ऐसा होगा, सोचो बेचारे की क्या हालत है, एक साइकिल वाला आ रहा है तो वो बॉय नहीं क्रॉस कर रहा, जब बॉय क्रॉस कर रहा है साइकिल वाला क्रॉस नहीं कर रहा, और वो क्या चाह रहा है, दोनों इकट्ठे क्रॉस करें ताकि वो बीच में लाइन में आ जाए। तो उस ओल्ड मैन की स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन है। दिमाग पे प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, हो जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी की प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है, सोल्यूशन तो दो लाइन का ही होता है। प्रॉब्लम समझना इट्सेल्फ ही एक प्रॉब्लम है इसमें, कि इसको अब इसको लिंक कैसे करें तीन लोगों को। यहाँ तो मोशन वांडी में एक ही बॉडी चलती थी, वही नहीं लिंक हो पा रही थी, यहाँ पर तीन चल रही हैं। देखो इसमें करना क्या, लॉजिक क्या है, इमेजिन करो एक मिनट के लिए, अच्छा डायग्राम बना लेते हैं पहले। साइक्लिस्ट 30-30 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड, बॉयज 20-20 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड, और ओल्ड मैन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये कहानी क्लियर है। अब इमेजिन करो ये क्वेश्चन किसने करना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें साइक्लिस्ट ने ओल्ड मैन को ओवरटेक या क्रॉस करना है, ओवरटेकिंग नहीं बोलेंगे, क्रॉस, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस करेगा। इमेजिन करो एक साइक्लिस्ट क्रॉस कर गया, उस टाइम वो बॉय क्रॉस नहीं कर रहा होगा, जैसे एक साइक्लिस्ट क्रॉस करता है ओल्ड मैन को, वो अगली साइक्लिस्ट की वेट करता है कि अगला साइकिल वाला कब क्रॉस करेगा उसे, उसमें कुछ टाइम लगेगा। एक साइकिल वाला दूसरे साइकिल वाले के साथ कितनी दूरी पे है, 30 मीटर, मानते हो ये चीज, 30 मीटर के बाद दूसरी साइकिल आएगी। अब इमेजिन करो कि साइकिल वाला जब क्रॉस कर रहा है तो ओल्ड मैन ये चाहता है कि चलो एक काम करते हैं, एक बॉडी को तो रेस्ट पे लाना पड़ेगा, मैं खुद ही रेस्ट पे आ जाता हूँ। ओल्ड मैन कहता है चलो छोड़ो, मैं चल ही नहीं रहा, नहीं वैसे चल रहा है, फिजिक्स के अकॉर्डिंगली अगर वो रेस्ट पे आना चाहता है तो वो साइक्लिस्ट की वेलोसिटी निकालेगा विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, क्योंकि साइकिल की वेलोसिटी वैसे तो मुझे पता है कितनी है, 10, पर जब मैं ये बोलता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, तो इमेजिन करो ओल्ड मैन इज लाइंग एट रेस्ट, ये फिगर ओ आ गई ना पीछे। तो ओल्ड मैन अगर रेस्ट पे है तो वैसे तो मुझे पता है साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है 10, ओल्ड मैन की कितनी है VO, दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड कितनी है 10 + VO।
सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं, वेलोसिटीज ऑपोजिट में प्लस करते हैं। तो ओल्ड मैन से पूछा कि भाई तू बता कि साइक्लिस्ट जो है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। ओल्ड मैन कहता है देखो बात ऐसी है, मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ रेस्ट पे हूँ, पर मुझे लग रहा है कि साइक्लिस्ट 10 से ज़्यादा स्पीड से मुझे क्रॉस कर रही है, क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी में तो ओल्ड मैन भी क्रॉस कर रहा है। तो दोनों चल रहे हैं, तो ओल्ड मैन को लगना चाहिए कि साइक्लिस्ट की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं तो रेस्ट पे हूँ, तो मुझे लग रहा है कि साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है, 10+VO। तो साइक्लिस्ट की स्पीड यहाँ पर क्या होगी, 10+VO, कोई डाउट इसमें? तो ओल्ड मैन की किसकी स्पीड आ गई, साइक्लिस्ट की, विद रिस्पेक्ट टू किसने बताई, ओल्ड मैन ने। जिसने बताई वो खुद किस पे हो गया, एट रेस्ट। ठीक हो गया। अब जब बॉय क्रॉस करता है, ओल्ड मैन से पूछा जाता है कि बॉय की स्पीड कितनी है, वैसे बॉय की स्पीड तो 5 है, पर ओल्ड मैन कहता है देखो ऐसा है, मैं नहीं, मैं काम करता हूँ, किसी को रेस्ट पे आना पड़ेगा, मैं ही रेस्ट पे आ जाता हूँ। तो जब मैं रेस्ट पे आता हूँ तो वो बताएगा वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, दोनों क्रॉस कर रहे हैं तो 10+5+VO। सही हो गया। दोनों केस में ओल्ड मैन किस पे खड़ा हुआ है, एट रेस्ट। सही हो गया, कोई डाउट इसमें? अब इमेजिन करो जब एक साइक्लिस्ट क्रॉस कर गया, ओल्ड मैन ने समय कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं तो खड़ा खड़ा हूं ना जी, मैं तो चल नहीं रहा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो दूसरा साइक्लिस्ट जब आएगा तो दूसरे साइक्लिस्ट की दूरी कितनी है, 30 मीटर, 30 मीटर है। तो 30 मीटर और साइक्लिस्ट की वेलोसिटी ओल्ड मैन के हिसाब से है कितनी, 10+VO। तो इतने समय के बाद साइक्लिस्ट क्रॉस करेगा ओल्ड मैन को, नेक्स्ट साइक्लिस्ट जो 30 मीटर दूरी पे होगा। तो टाइम आ गया, यहां तक क्लियर है? इतने समय में साइक्लिस्ट क्रॉस करेगा, और हम ये चाहते हैं उतने ही समय में बॉय भी क्रॉस कर दे, क्योंकि दोनों के टाइमिंग सेम हो गए, तो यानी कि दो बोथ विल क्रॉस ईच अदर साइमल्टेनियसली। तो चलो फिर बॉय का टाइम क्या है, बॉयज के बीच में डिस्टेंस कितना है, 20। तो एक बॉय और दूसरे बॉय के बीच में 20 को बॉय की रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया, तो जो समय साइक्लिस्ट क्रॉस करने में लगा रहा है, उतने ही समय में अगर मान लो बॉय भी लगाएगा, दोनों के टाइमिंग सेम हो गए, टाइमिंग सेम करके कैलकुलेट वी नॉट, वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब इमेजिन करो ना, एक ऐसे इमेजिन कर लो, चलो आप कहोगे कि टाइमिंग सेम कैसे हो गए, प्रैक्टिकली घर जाके सोचोगे कि यार ये कैसे हो गया कि मान लो 30 मीटर क्यों लिया, है ना, क्योंकि एक साइक्लिस्ट और दूसरे साइक्लिस्ट के बीच में दूरी 30 मीटर है, पर एक साइक्लिस्ट जब क्रॉस करता है उस टाइम हो सकता है बॉय क्रॉस नहीं कर रहा, मान लो बॉय क्रॉस नहीं कर रहा, और फिर इमेजिन करो कि जब बॉय क्रॉस कर रहा है साइक्लिस्ट क्रॉस नहीं कर रहा, क्या पता इनके बीच में डिस्टेंस 30 और 20 हो भी कि ना हो। तो इमेजिन कर लेते हैं, इसके लिए और बेटर एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो पहले वो तीनों एक ही लाइन में, इमेजिन कर लो, मान लो तीनों एक ही लाइन में है, जब वो तीनों एक ही लाइन में, इमेजिन करो, और मैं ये चाहता हूँ कि फिर से वो तीनों एक लाइन में आए, और अगर वो तीनों एक लाइन में आए तो साइक्लिस्ट और साइक्लिस्ट 30 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा और बॉय 20 कवर करेगा। तो मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कुछ, तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जितनी देर में बॉय क्रॉस करे उतनी देर में साइक्लिस्ट भी क्रॉस करे, तो समय अगर बराबर हो गया तो वहां से तीनों इकट्ठे एक लाइन में हो जाएंगे और वहां से वैल्यू आ जाएगी वी ओ की। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि यार अच्छा मैं लगा के देखूंगा, क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा अभी पता नहीं, अभी नहीं आएगा, आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज सुबह का बैच था, चलो उनके पास टाइम था 1.5 घंटे का, तुमने किताबें खोल ली, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, किसी किताब का डाउट आ गया रिलेटिव का, मैंने ठीक किया, दूसरा किया फिर डाउट आ गया, तीसरा किया तीसरा फिर डाउट आ गया। तो उनको लगा कि शायद हमें समझ में नहीं, उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये टॉपिक में आपको डाउट्स आएंगे, ठीक है, कुछ हो भी जाएंगे कुछ नहीं भी होंगे, बट प्लीज़ आप प्लीज़ पेशेंस रखना, ये नॉर्मल बात है। अगर मैं भी करूँगा तो आप खुद देखना, जब मैं आपके साथ बैठ के करूँगा तो मैं भी ओवरली चलते फिरते नहीं करूँगा, उसमें थोड़ा दिमाग लगता है रिलेटिव वेलोसिटी में, बैठ के आराम से डायग्राम बना के ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, इससे पहले जो लास्ट टाइम शीट हमने की थी, एक ये रिलेटिव वेलोसिटी की शीट चल रही थी, उसके अंदर ना रेन एंड मैन के बाद ना एक क्वेश्चन था, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्री वाला क्वेश्चन तो हो गया था,
ये वाला, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम हैंड रिटन शीट के अंदर था। तो एक बैच को बुकलेट मिल गई है, दूसरे बैच को आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगी, बस एक एक करके मिलती जा रही है। तो ये जो शीट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी शीट्स में स्पाइल करके दूंगा मैं, इसको चयन मत रखना, उसके अंदर पूरी स्पाइल करके दूंगा, सीक्वेंस में मिलेगी आपको सारी। देखो, तीन एलिफेंट है, तीन हाथी हैं, मुझे हाथी बनाने नहीं आए तो मैंने दो तीन ब्लॉक्स बना दिए हैं, ये एलिफेंट, एलिफेंट ए, एलिफेंट बी, एलिफेंट सी, इनके बीच में दूरी डी एंड डी है। जब मैंने फोटो खींची तो मैंने देखा तीन हाथी एक लाइन में मूव कर रहे थे, एक की जो स्पीड थी ना वो 5 थी, इसकी स्पीड 10 थी, इसकी स्पीड पता नहीं कितनी थी लेकिन कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जब मैंने इन्हें मूव करता देखा तो इनके बीच में दूरी डी एंड डी है। आप ये ना समझें कि हमेशा डी एंड डी रही होगी, क्योंकि इसकी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा है, 10 की स्पीड तो 5 से काफ़ी ज़्यादा है, तो इनकी दूरी बढ़ती जाएगी। ऑब्वियसली 5 स्लो चल रहा है, 10 तेज चलता है। मैं ये भी नहीं कह सकता हाथी को एक्सलरेट करिए, क्योंकि स्कूटर है, क्या स्पीड रहेगा, वो चल भी नहीं पाएगा, अपनी स्पीड पे चलेगा, इट्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब क्वेश्चन ये है कि कांस्टेंट स्पीड से एलिफेंट चलते हैं, व्हेन बी कैचेस सी, चलो बी ने सी को कैच कर लिया, ओवरटेक कर लिया, इसका मतलब एक बात पक्की है, मेरा बी की स्पीड 10 से तो ज़्यादा ही आएगी। चलो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, 10 या 10 से कम मार्क मत करना, 10 से ज़्यादा ही करना। तो चलो बी ने सी को ओवरटेक कर लिया, आगे जब बी ने सी को ओवरटेक किया होगा तो उस टाइम पे ए और सी की सेपरेशन जो शुरू में 2D थी, डी प्लस डी 2D थी, तो सेपरेशन कितनी हो गई, 3D हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? ये हाथी तेज चल रहा होगा, ये हाथी स्लो चल रहा होगा, तो दूरी बढ़ती गई, बढ़ती बढ़ती उल्टा 3D हो गई, लोगों की कम होती है यहां पर बढ़ गई। ठीक है, बस ये इंफॉर्मेशन है, कहता है जी बी की स्पीड निकाल दो, बस बस ये दूरी 3D हो गई और स्पीड निकाल दें। देखो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन है, जब बी ने सी को ओवरटेक किया, जब का मतलब जिस समय पे, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, टाइम। जितने टाइम में बी ने सी को ओवरटेक किया वो टाइम निकाल लेते हैं, उतने टाइम में इस ए और सी में डिस्टेंस कितना बढ़ गया, डी 2D की जगह 3D। तो वो टाइम की वैल्यू जो यहां से कैलकुलेट होगी वो ए और सी के अंदर यूज करूंगा मैं। ये बात तो समझ में आ गई, ए और सी की कैलकुलेशन तो बाद में कर लेते हैं, पहले कैलकुलेशन करते हैं बी और सी की। चलो ये बताओ, बी ने सी को ओवरटेक करना है, तो बी ने अगर सी को ओवरटेक करना है तो सी को क्या कह रहे हैं, भाई तुम रेस्ट पे रहे, मैं तेरे को ओवरटेक करने लगा हूं। तो बोलो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, बी की वेलोसिटी क्या मानी जाएगी अगर सी रेस्ट पे मानना है, VB-10। VB-10 का मतलब एज्यूमिंग कि सेकेंड बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, ये लॉजिक क्लियर है। और बी ने अगर सी को ओवरटेक करना है तो इनके बीच में सेपरेशन थी कितनी, डी, तो ओवरटेकिंग का डिस्टेंस तो डी है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसके अंदर सीधा देखेंगे टाइम टू ओवरटेक क्या है, डी डिस्टेंस कवर करेगा बी, और कितनी वेलोसिटी के साथ, VB-10। क्योंकि जब मैं VB-10 बोल रहा हूं तो 10 वाला जो एलिफेंट है वो किस पे आ जाएगा, एट रेस्ट। तो पहला टाइम क्लियर है यहां तक, ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो अननेसेसरी वेक्टर से करके दिखाया है, हम ओरली कर सकते हैं। इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, VB-10। कोई डाउट इसमें, टाइम की वैल्यू आ गई, चलो यहां तक संभाल के रखो। अब बात करते हैं ए और सी एलिफेंट की। ए और सी एलिफेंट में इनिशियली दूरी थी कितनी, 2D। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये दूरी कितनी हो गई, डी। तो यानी कि 2D तो पहले ही था, तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूं ए की विद रिस्पेक्ट टू सी, मैंने कहा मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूं ए की विद रिस्पेक्ट टू सी, तो क्या वैल्यू आएगी बोलो, -5। ए अपनी वेलोसिटी में से 10 को सी को क्या कर देगा, माइनस, तो -5, 5 में से 10 क्या, -5। -5 का मतलब क्या है कि ए एलिफेंट आगे नहीं आ रहा सी की तरफ, उल्टा पीछे जा रहा है, लॉजिक क्लियर है। तो जब मैं कहता हूं रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, ए की वेलोसिटी में से सी की वेलोसिटी को माइनस करो, सो सी किस पे रहेगा, एट रेस्ट,
माइनस करने पे सी रेस्ट पे आ जाता है, तो ए की वेलोसिटी माइनस फाइव, तो यानी कि ये पीछे हटता जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ माइनस फाइव। रूल क्लियर है? अब पीछे हटने में नया डिस्टेंस कितना कवर करता है? 3d। पहले कितना था? 2d। तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितना कवर हो गया? सिर्फ डी। तो एक्चुअल में तो डी डिस्टेंस कवर हुआ, कितनी वेलोसिटी के साथ कवर हुआ? 5, क्योंकि हमने सी को तो रेस्ट पे मान लिया ना माइनस करके। तो इसका मतलब ए और सी की कैलकुलेशन में अफेक्टिव डिस्टेंस पीछे की तरफ, ये डी डिस्टेंस आगे की तरफ नहीं है, डी डिस्टेंस पीछे की तरफ कितना हो गया? डी। तो और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? माइनस फाइव है। माइनस साइन का मतलब जो ए एलिफेंट है वो पीछे जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ फाइव। तो एलिफेंट ए के लिए इक्वेशन लगाओ एस इज इक्वल टू बी टी, डिस्टेंस कवर्ड कितना है ए का? डी। कितनी वेलोसिटी के साथ? और ये कई कहेंगे माइनस डी, हाँ तो माइनस डी लगा लो, माइनस फाइव लगा लो, माइनस माइनस कैंसल, मतलब ये भी डिस्टेंस पीछे का, ये वेलोसिटी भी पीछे की। और कितने समय में ये डी डिस्टेंस कवर हुआ? जितने समय में बी ने सी को क्या किया था? ओवरटेक। कितने समय में किया था? इतने समय में। टाइम हमने ए और बी और सी का निकाल लिया, यहां पुट कर दिया, वेलोसिटी आ गई। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकल आई। तो पहले हमने बी और सी को ओवरटेक करवा दिया, इसका समय निकाल दिया ये रहा। फिर हमने ये देखा कि जो ए एलिफेंट है वो तो पीछे जा रहा है विद द डिस्टेंस ऑफ डी, तो सी को रेस्ट पे मानते हुए अपनी वेलोसिटी कितनी मानता है वो? 5। और टाइम ओवरटेकिंग का टाइम है, यहाँ से सॉल्व करके वी बी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये रूल्स को समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें?